बारह ज्योतिर्लिंगों की कथा में आज प्रस्तुत है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की। यह उज्जैन में स्थित है। उज्जैन यानी कि अवंतिकापुरी भगवान शंकर की प्रिय नगरी है। वहाँ पर सतयुग में देवज्ञ, कर्मनिष्ठ और शिव भक्त ब्राह्मण रहते थे और ठीक उसी समय रत्नमाल पर्वत पर धर्मद्रोही दूषण नामक दैत्य भी रहता था और ब्रह्मा के वरदान से घमंड से भरकर उसने देवताओं को जीत लिया, स्वर्ग से उन्हें निकाल भी दिया और पृथ्वी पर उसके भय से वेद पाठ, यज्ञ, धर्माचरण बिल्कुल बंद हो गए। एक बार वह अपनी सेना के साथ तीर्थों को नष्ट करता हुआ अवंती पहुंचा। वहां उसने सेना के चारों नायकों को आदेश दिया कि यहां के ब्राह्मणों को कह दो कि यदि वे जीवित रहना चाहते हैं तो वेद अध्ययन, यज्ञ और शिवार्चन त्याग दें, नहीं तो दंड भोगना पड़ेगा। चारों सेनापतियों ने नगर को घेर लिया और दैत्य की आज्ञा घोषित कर दी, लेकिन उज्जैनी के शिव भक्तों पर उस आज्ञा का कोई असर नहीं हुआ। लेकिन सामान्य नागरिक जो हैं वो व्याकुल हो गए और ब्राह्मणों के नज़दीक जाकर पूछने लगे कि हमें क्या करना चाहिए। तो ब्राह्मणों ने कहा कि हमारे पास ना तो दैत्यों के समान बल है और ना ही अस्त्र शस्त्र हैं, लेकिन हम भगवान महेश्वर के आश्रित हैं। जब एक सामान्य जन भी अपने आश्रित की रक्षा करता है तो वे तो त्रिपुरारी हैं, वे सर्वेश्वर हैं, वे निश्चित ही हमारी उस दुष्ट से रक्षा करेंगे। उज्जैनी के ब्राह्मण जो है पार्थिव पूजन में तत्पर रहे, वेद पाठ करते रहे, शिव वंदना करते रहे। जब यह समाचार दूषण को मिला तो उसने ब्राह्मणों को मारने की आज्ञा दे दी। ठीक उसी समय वहाँ एक भयंकर शब्द हुआ, पृथ्वी फटी, उसमें से महान विशाल महाकाल प्रस्तुत हुए जिसके हुंकार मात्र से ही दैत्य दूषण भस्म हो गया। देवताओं ने प्रसन्न होकर के पुष्प वर्षा की और ब्राह्मणों ने शिव जी की स्तुति की और कहा कि प्रभु आप हमें इस संसार के सागर से मुक्त करें और धर्म, वेद और उपासना की रक्षा के लिए आप यहीं पर विराजें। उसी गर्त में शिवजी लिंग के रूप में प्रस्तुत हुए जिसे आप महाकालेश्वर लिंग भी कहते हैं।